पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा मुझे स्वेग भाई, स्वेग मुझे ये बताएं कि आप आशिक अली क्यों हैं, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू ये कि आपके ख्याल में अगर हम अहले तशी और अहले सुन्नत यानी जो शिया और सुन्नी को देखें तो उसमें फ्रॉम द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम कौन ज्यादा स्ट्रेंथ पे है, जो जो अगर हम इस्लाम के कुरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको लगता है कौन विच जो ब्रांच है वो ज्यादा सही है? क्योंकि अगर आप अहले तशरीह से सुने तो वो कहते हैं तुम भटके हुए हो, और मुझे लगता है अगर जितना मेरा उनके साथ हुआ है मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अहले बैत पे फोकस है और इमामों पे फोकस है। वो तो इस्लाम, उनका इस्लाम बड़ा फ़र्क है हमारे इस्लाम से, यानी कि उनके इमामत के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और आधा साल तो हुसैनियत पे लगे रहते हैं। तो आपकी क्या राय है कौन सही रास्ते पर है फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव? यार ये आपने जो है ना बड़े ऐसे सवाल पूछे हैं कि ये इनके जवाब बड़े लंबे हैं। पहले सवाल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आशिके अली कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सेसिव है मेरे लिए। हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं रिगार्ड करता हूँ कुछ चीज़ों के हवाले से। और दूसरा एक और बात ये कि मुझे कवालियों से काफ़ी ज़्यादा शगफ है बचपन से ही, तो वो आपको पता होगा शायद अगर आप इसमें इसका इंटरेस्ट है। तो हज़रत अली के ऊपर जो है ना बहुत सारी कवालियाँ ऐसी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं उनके 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 हवाले से जो कि मुझे सुनने में थोड़ा मज़ा आता है और समहाउ मेरी थोड़ी सी वो आई डोंट नो, अगर आप थोड़ा सूफी टाइप हों तो आप नहीं, नहीं, मैं, मैंने सुनी हुई है। मुझे लगता है उसकी जो हिस्ट्री है वो ईरानियन सफ़ाविद एम्पायर से आती है, वो जो पर्शियन वो जो थी रुबायात से उसके अंदर जिक्र था। हाँ उधर नहीं, हमारी लोकल भी पे आ गई, हमारी लोकल भी बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है उसकी, उसकी बड़ी जबरदस्त हमारी लोग पंजाबी के अंदर भी उर्दू के अंदर भी। आप इनकी मनकबात पढ़े तो आप ये तो ये शिया जो लिखते हैं वो तो हजरत मोहम्मद को भी पीछे छोड़ देते हैं जब वो अली के फजाइल लिखने। मैं कहता हूँ हजरत मोहम्मद गिनती में है ही नहीं है जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं उनके लिए भी सुनियों ने काफी कुछ लिखा, हजरत मोहम्मद के लिए सुनियों ने काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एक तो मगर मुझे लगता है कि जो लिखाई उनकी ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, नोहा खानी और जो पढ़ना होता है उनका हमसे यानी सुनियों से बहुत बेहतर है मेरे। दूसरी आपने जो बात की वो थियोलॉजी के हिसाब से कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, देखें हमारे अगर करंट वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो तो दोनों ही गलत ही है ना, दोनों क्योंकि उनकी सोर्स एक है तो दोनों साइड ही गलत है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन बेहतर है तो देखें इसमें दोनों के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कुछ वीक पॉइंट्स हैं। शियों के पास अहले तशी के पास कुछ पॉइंट्स स्ट्रॉन्गर इस तरह हैं कि जो जो है ना जो फजीलतें या जो जिस तरह की बातें आप ये कह सकते हैं जिस तरह की बातें हजरत अली के बारे में की गई हैं हजरत मोहम्मद की तरफ से, तो अगर मैं हजरत मोहम्मद का फॉलोअर होता तो मैं उन बातों को काफ़ी सीरियसली लेता। ये लोग सुन्नी असल में डाउन प्ले करते हैं हजरत अली का जो है ना रुतबा मकाम ये वो, जिस तरह की बातें हजरत मोहम्मद ने हजरत अली के बारे में की हैं वो कम ही मिलता है हमें किसी और साहबियों को। ऐसा नहीं है कि किसी और साहबियों को उन्होंने बिल्कुल ही खुडे लाइन लगा दिया, उनके भी फजाइल बयान किए, लेकिन जिस तरह की मसलन एक मिसाल दे देता हूँ आपको, बल्कि दो मिसालें। एक तो वो बड़ी मशहूर है आपने सुनी होगी कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अब ये उन्होंने डायरेक्टली अपने साथ खड़ा कर लिया और हाथ उठा के एक पूरे मजमे के सामने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जब मुझे पहली बार इसका पता चला। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं इलम का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा है, तो इससे वो लोग ये दलील लेते हैं कि अगर आपने हजरत मोहम्मद के सही रास्ते पे चलना है तो देयर इज वन डोर एंड अली इज द डोर, वो इस हवाले से वो लेके चलते हैं। तो ये कुछ है, बाकी सुन्नी फिर वही है वो कहते हैं जी कि हजरत अबू बकर जो हैं वो यारे गार भी हैं पुराने दोस्त भी हैं वो ससुर भी हैं डैड जी
वो तो आप देखें तो सारी किसी तरह से रिलेटेड, पहले चारों खलीफा, एक दामाद था, दो ससुर, दो के ससुर थे और एक कजन था। हारिस साहब की आवाज नहीं आ रही। स्टोइक जो मेरा पॉइंट, मैंने कहा हजरत उस्मान की क्या फजीलत बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपनी दो बेटियां दी उनको, उनको ज़ुन्नूरैन कहते हैं, दो नूरों वाला। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कि इस्लाम को अगर मैं सिर्फ इस्लाम के हवाले से देखूं, छोड़ दे बाकी चीजें, उसमें नबी थे, पहले भी नबी थे, कोई इमामत का कॉन्सेप्ट कभी नहीं था। अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें जो सारे नबी आए हैं, तो इमामत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। तो ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो कि जहां तक मुझे पता चला हिस्ट्री, शायद आई डोंट नो फुली के, लेकिन वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म से उन्होंने ये उठाया गया आइडिया। इमामत तक आपकी बात ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन जो है ना ये जो मकाम है ना अहले बैत का, कुरान के अंदर एक आयत है उसको कहते हैं आयत इतरत, और वो उसके अंदर वो जब नाजिल हुई ना, तो उसकी बैक स्टोरी ये है कि हजरत मोहम्मद ने उस टाइम जो है ना वो जो उनके खानदान जिसमें हजरत फातिमा, हुसैन, हसन और अली, उनको अपनी कमली में ले लिया था। तो उसमें हजरत आयशा ने इजाजत चाही कि मैं भी आ जाऊं, तो हजरत मोहम्मद ने जाना उनको इजाजत नहीं दी। तो इस हवाले से हमें ये पता चलता है कि वो जो खास आयत है, आयत इतरत जिसको बोलते हैं, आयत तथहीर भी बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको, दोनों लफ्ज यूज होते हैं, तो वो सिर्फ खास है अहले बैत के लिए, क्योंकि अहले बैत बीवियों के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन अहले बैत बच्चों के लिए भी यूज होता है। इसी तरह हमें एक और वाकया ये मिलता है कि जब वो जो क्रिश्चियंस के साथ हजरत मोहम्मद का वो मुबाहला हुआ, तो उसमें आया कि जी तुम अपने बच्चे ले आओ, तुम अपने घर वाले ले आओ, हम भी अपने घर वाले ले आते हैं। तो उसके अंदर भी वो सिर्फ इन्होंने बीवियों को इंक्लूड नहीं किया, हजरत मोहम्मद ने सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड किया। तो इसमें मुझे इवन एज अ सुन्नी जब मैं था, तब भी कोई शक नहीं था कि जो इनका मकाम है वो बाकियों का नहीं है। आप नमाजों के बाद वो पढ़ते हैं तस्बीह पढ़ते हैं जो 33-33 दफा, उसको भी तस्बीह फातिमा कहते हैं, वो भी हजरत मोहम्मद का गिफ्ट था अपनी बेटी को, ये जो हम पढ़ते यानी कि नमाजों में मुसलमान जो पढ़ते हैं। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इन लोगों का मकाम बाकी साथियों से बहुत, लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं देखते कि इसको बाद में, हाँ वो ठीक है, लाइक ये हो गया बाद में, दे हैड टू कम अप विद अ स्टोरी, तो उन्होंने, हाँ तो वो मैं आपको बताऊं, वो सुनियों ने भी यही किया है और शियों ने भी यही किया, बाद में बहुत सारी चीजें फिट की है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो चीज अवेलेबल है उस पे मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ। मैं आपने स्टोइक आपसे हर दफा ये जो लुगत के जो मायने है ना, जो दीनी लुगत के जो मायने है, अक्सर मुझे सुनने में मिलते रहते हैं। तो अभी आज आपने एक और नई आयत बताई, क्या बोला, आयत तथहीर, तथहीर का मतलब होता है पाकीजगी। अच्छा आयत तथहीर, तो मैंने कहा वो आयत तथहीर तो वो बेचारा जो तथा वो तो कह नहीं सकता। अच्छा वीक पॉइंट क्या आपकी तरफ से, किसका, शियों का, दोनों का ही बेशक। शियों का वीक पॉइंट जो है ना वो ये इमामत वाला कॉन्सेप्ट इनका वीक पॉइंट ही है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है वो ये जो है ना इस तरह मासूमियत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली कहते हैं ये 14 मासूम ये गिनते हैं, उसमें 12 इमाम और दो मासूम ऐड हो गए, एक हजरत मोहम्मद और एक हजरत फातिमा। तो ये मासूमियत वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम के मेरी नज़र में नहीं है, कुरान के हवाले से हमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं मिलती कि मासूम होना किसी और शख्स का, नबी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन गैर नबी के बारे में मासूमियत बिल्कुल ही ये बातें लकीदा। तहारत से निकला था हाँ, तो तहारत भी तो पाकीजगी ही होती है ना, तथहीर वैसे होती है अपने आप को पाक करना, उन्होंने एटमोलॉजी निकाली है ना, हलाले नहीं, नहीं वो तहारत से नहीं, तथहीर से तहारत निकला, उन्होंने एटमोलॉजी रिवर्स कर दी है। चलो तो स्टोइक सुन्नियों का क्या वीक पॉइंट है फिर, इनका क्या वीक पॉइंट है फ्रॉम जस्ट फ्रॉम कुरान बेसिस, इनका तो डॉग्मा है ना, सुन्नियों के तो बेड़े गए काफी सारे इनके, तो ये यानी कि जो इनकी इतने ज्यादा फिरके होना ही इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। देवबंदी वाहबियों से नहीं मिलता, वाहबी देवबंदियों से नहीं मिलता, फिर वो इमाम मालिक, शाफी, ये वो सारे अहले हदीस, उनका अलहदा सोचे हैं, लेकिन उधर भी ट्वेल्वर्स हैं, फिर बोरे। अच्छा चले मैं आपको सुनियों का बता देता हूँ इनके वीक पॉइंट्स क्या, सुनियों के वीक पॉइंट, सुनियों के वीक पॉइंट्स ये हैं कि ये हजरत उमर के किए हुए काम जो है उसको भी शरीयती समझते हैं, उसको भी ये इस्लाम का हिस्सा समझते हैं, ये मेरे नजदीक बिल्कुल फजूल बात है। हजरत उमर ने तरावियां पढ़ाई, आज तक तरावियां पढ़ रहे हैं। हजरत उमर ने 3 तलाकें फर्ज की सही करार दी, आज तक उसको मान रहे हैं। फिर हजरत उमर ने वो
जमात से तरावियां भी आई थिंक उन्होंने शुरू कराई थी, वो भी आज तक कर रहे हैं। तो इस तरह के ये मसले। और एक और मसला मुता खत्म किया, हाँ मुता खत्म किया। देखो ना, अगर पॉइंट हो गया इन अ वे, इनकी डॉक्ट्रिन से सोचे तो जिस काम की हजरत मोहम्मद ने इजाजत दी हुई, हजरत उमर कौन होते हैं उसको खत्म करने वाले? एग्जैक्टली, ये क्या। और इससे ये भी, ये जो आर्गुमेंट देते हैं ना जी, बड़ा जी उससे वो था जी, खत्म करना था, ये बड़ा फजूल आर्गुमेंट है भाई। जो बंदा भी, वो किसकी कॉल आपने सुनाई थी जिसने जिसने ये कह दिया, वो मौलवी क्यों था जो गुजार ने जो कॉल चलाई थी, जिसमें मौलवी कह रहा है कि हम स्लेवरी को, नहीं नहीं, हम स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं नहीं, वो दूसरा था मौलवी, मुफ्ती शुमाइल, मुफ्ती शुमाइल, हाँ मुफ्ती शुमाइल, वो आपने भी सलवाडोर हर एक का नाम ले लिया, बस जो सही नाम था वो नहीं लिया। अच्छा, वो उसने क्या, मैं बात कर रहा था कि उसने जिस तरह कहा कि मैं, हम स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, ओ भाई आप कौन होते हैं जिसको रसूल अल्लाह जस्टिफाई करके चले गए? रसूल अल्लाह ने, बेशक आप ये कह सकते हैं, यहां तक आपका पॉइंट आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई रसूल अल्लाह ने उसकी कुछ शर्तें वाजिब की, अच्छा खाओ खिलाओ, हालांकि वो भी उसके अंदर भी बड़ा तजाद है, लौंडी के ऊपर झूठे इल्जाम के कोई गवाह नहीं चाहिए, और जो झूठा इल्जाम लगाएगा आजाद औरत के ऊपर उसके चार गवाह चाहिए, और अगर जो झूठा लगाएगा इल्जाम उसको कोड़े पड़ेंगे, लोडी का कोई नहीं है, गुलाम और लोडी का एहसास भी नहीं है। हां लेकिन लेकिन इसका, इस पे जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस तरह तो फिर ये जो इमामत के ऊपर है वो भी फिर उन्होंने सुपरसीड की है कुछ बातें, मुझे मैंने आपको पहले ही कहा कि वो गलत है, वो नस के खिलाफ है वो बात, वो तो मैंने आपको कहा। सुनियो की फर्क ज्यादा नहीं रह गया ना उम्र, नहीं नहीं एक मिनट ठहरे, एक पॉइंट मेरे ज़हन से निकल जाएगा। सुनियो की एक और चीज याद आ गई, यार आप मुझे ये अकली तकाजे से सिर्फ इस बात का आंसर दे दें कि ये लोग मुआविया को भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं और अली को भी रज़ील अल्लाह कहते हैं। मैं कहता हूं कि भाई आप बेशक मुआविया को कहें जो आपने कहना है, उसको आप रसूल अल्लाह कह दें, उसको जो मर्जी आप कह दें, लेकिन आपको साइड तो चूज करें, आप कम से कम साइड अपना स्टांस तो लें, हक बात को हक कहें और बातिल ये स्टोइक। लेकिन मुझे लगता है जहां पाकिस्तान वगैरह में तो हजरत अली की ज्यादा था, मुआविया के ऊपर तो कोई यानी अच्छा नहीं समझता था उस, तो भाई मुआविया कॉन्फ्रेंस वो सिपाही साहबा ने अपने बेटे का नाम मुआविया वो रखा, वो जो है आपका नाम, अच्छा वो फिर आपको नहीं लगता वो राइट फ्रेंच ज्यादा है पाकिस्तान का, हमारी सोसाइटी में नहीं, तो आम लोगों को तो शायद ना, आम लोग तो हजरत अली को ही बेहतर कहेंगे, लेकिन जो असल तो बात है कि स्कॉलरली वर्क क्या है, ये देवबंदी बरेलवी जो है ये सारे मुआविया को ऊपर रखते हैं, चलो अगर ऊपर नहीं कहना तो बराबर पे रखते हैं, बराबर भी रखें तो फिर भी ये गलत है ना, क्योंकि अगर इतना बड़ा हजारों मुसलमान जो है वो उसने मरवा दी अपनी पावर की खातिर, और उसने जो खुलफा जिसको कहते हैं ये खिलाफत का सिस्टम बड़ा अच्छा था, ठीक है अच्छा था नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन उसने उसके अंदर वो चीज डाली जो कि गलत है इस्लाम की अपनी रूह से भी, कि अपने बेटे को अपनी जिंदगी में उसने मुतय्यन कर दिया। ये कितना बातें लगता है वैसे एक लिहाज, जो सुन्नियों का मुकदमा ही इस बात पे है, इस्लाम में मरूसियत नहीं है, तो मुआविया की गलत बात, इनमें हिम्मत नहीं है भाई ना, जब जो आया था ना वो पहले भाई आया था, कह रहा था जी आप अकीदत से बात करें, ये है उसका नतीजा, जब आप अंधी तकलीद और अकीदत करते हैं तो उसके बाद नतीजा ये निकलता है, तो आपके नजदीक आपकी रेड लाइन है हजरत मोहम्मद के, हजरत मोहम्मद की अंधी तकलीद वो कर सकते हैं, हमारे नजदीक वो नहीं है, और उसमें इज्जत और एहतराम की भी वही बात आती है, हमारे नजदीक हमारा वो पैरामीटर नहीं है। तो चले और कोई, मेरा ख्याल आज ये तो डिस्कशन कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन थैंक यू, मुझे लगता काफी अच्छा स्टोइक ने बताया, सही है, मेरा भी यही था, मुझे भी इमामत से था कि ये मुझे इमामत की समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरे ख्याल हजरत मोहम्मद के बाद खत्म हो जाना था जो मेरा भी मेन जो जो पॉइंट है कि जो मुझे उनकी तरफ से उनकी बात नहीं मुझे समझ आती। मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, एक आखिरी बात बता दूं शियों की पॉजिटिव उसमें बात, वो ये है कि जब अब वो मेरे ज़हन से निकल गया है, गजवा तबूक था या कौन सा गजवा था जिसमें हजरत अली को पीछे छोड़ गए थे मदीना के गवर्नर बना के, तो हजरत अली जो है ना उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये मैं कैसे हो सकता है कि मुझे पीछे छोड़ गए, तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि अली क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम्हारा मेरे साथ वही मकाम है जो हारून का मूसा के साथ था, बस फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो तो ये बहुत बड़ा मकाम है ना ये अगर देखा जाए तो। ठीक है, सही। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।